हेलो फ्रेंड्स, गिल्ड मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते थोड़ा स्वागत है। 20 नवंबर है ते आप रेडी हैं अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे तुसी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सेशन थोड़े लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन शेयर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सेशन नू शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ नू डिस्कस करांगे जिन्हां नू कल दे सेशन दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपां। उन्होंने MCQ फॉर्म दे विच रिवाइज करांगे, उस तो बाद कुछ क्वेश्चन नू वन लाइनर फॉर्म दे विच रिवाइज करांगे, उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहले MCQ रिवीजन दे नाल। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रास कंजरवेटरी, इंडिया की पहली ग्रास कंजरवेटरी किस स्टेट दे विच इनॉगरेट की गई सी? उत्तराखंड दे विच। कित्थे की गई सी? उत्तराखंड दे विच। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अज के कुछ क्वेश्चंस। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे आप डिस्कस किया सी, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे किस दिन नू वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे ऑबजर्व किया जाता है? तो वह ऑबजर्व किया गया 17 नवंबर, 17 नवंबर नू ऑबजर्व किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, किस बैंक ने लॉन्च किया सैकेंड एडिशन ऑफ मूह बंद रखो कैंपेन? मूह बंद रखो कैंपेन का सैकेंड एडिशन किस बैंक ने लॉन्च किया? तैयार रखेंगे HDFC बैंक। किस बैंक द्वारा इसनों लॉन्च किया गया? HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1994 दे विच बनाया गया सी, मुंबई दे विच हेडक्वार्टर है और शशिधर जगदीशन इज दे हेड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी दे चेयरमैन कौन बनाए गए ने? इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी दे चेयरमैन कौन बनाए गए ने? तो यह बनाए गए ने सौरभ गांगुली नू इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी दा, बेसिकली जो ICC दी मेंस सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन बनाए गए ने, उसके चेयरमैन बनाए गए ने सौरभ गांगुली, अनिल खुंबले नू रिप्लेस करके इन्हों चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021? बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021 दे विच इंडिया किन्नवे नंबर? बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स दे विच इंडिया किन्नवे नंबर ते है? यह 82nd नंबर ते। ठीक है जी, इसनों टॉप किया गया सी डेनमार्क द्वारा, ठीक है जी। और लास्ट नंबर ते नॉर्थ कोरिया रहे, लास्ट नंबर ते इस दे विच नॉर्थ कोरिया रहे। नेक्स्ट, इंडियन नेवीज फर्स्ट ऑफ द फोर विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स डेवलप्ड बाय मेजागोन डॉक लिमिटेड विल बी इंडक्टेड बाय। इंडियन नेवी का जो विशाखापट्टनम नाम का शिप इंडक्ट किया जा रहा है, जिसनों मेजागोन डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, इसनों कौन इंडक्ट करेगा? राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP। सिमिलरली किरण रिजिजू की अगर आप गल करिए, किरण रिजिजू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। मनसुख लाल मंडाविया की गल करते हैं तो मनसुख लाल मंडाविया लवे हेल्थ मिनिस्ट्री है प्लस केमिकल्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर ने प्लस कॉपरेशन मिनिस्ट्री देख रहे ने, याद रखेंगे। अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोकसभा MP ने, मनसुख लाल मंडाविया राज्यसभा MP ने गुजरात तो, किरण रिजिजू की गल करते हैं अरुणाचल वैस्ट तो लोकसभा MP। नेक्स्ट है, विच स्टेट इनॉगरेटेड द दुआरे राशन स्कीम इन द स्टेट टू प्रोवाइड राशन टू फैमिलीज एट देयर डोर स्टेप। उन्होंने
घर तक एट द डोरस्टेप राशन पहुँचाने दे लई, राशन पहुँचाने दे लई दुआरे राशन स्कीम, दुआरे राशन स्कीम की शुरुआत किस स्टेट द्वारा की गई है? वैसट बेंगोल द्वारा की गई। किस स्टेट द्वारा दुआरे राशन स्कीम लॉन्च किया गया है? तो वैसट बेंगोल द्वारा, वैसट बेंगोल द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड हॉट एयर बैलून इवेंट टू प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म नू प्रमोट करने के लिए हॉट एयर बैलून इवेंट नू किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? नेक्स्ट चलते हैं वन लाइनर रिवीजन दे वल। वन लाइनर रिवीजन दे विच सब तो पहले अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हैज रिसीव्ड 87 बिलियन इन रेमिटेंस, रेमिटेंस के रूप के इंडिया 87 बिलियन मिले 2021 हूँ तक 87 बिलियन मिल चुके हैं। ठीक है, और केड़ी कंट्री, केड़ी कंट्री इज़ द बिगेस्ट सोर्स रही है, यानी कि किस कंट्री तो सब तो ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया के आए, तो केड़ी कंट्री है? यूएसए। नेक्स्ट है डैश हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल, इंडिया का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर, इंडिया का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर फॉर अर्ली डायग्नोसिस, फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉप डी एंड अस्थमा किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया सिप्ला द्वारा, सिप्ला कंपनी है जो इस द्वारा इस लॉन्च किया गया। डैश लॉन्च राशन आपके द्वार स्कीम, राशन आपके द्वार स्कीम एंड सिकल सेल मिशन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दे विच सिकल सेल मिशन राशन आपके द्वार स्कीम किन्हां द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज फर्स्ट पोर्ड होटल, इंडियन रेलवेज का पहला पोर्ड होटल इनॉग्रेट किया गया, वाज इनॉग्रेटेड एट डैश बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज राव साहेब दानवे, केड़ी स्टेट या केड़े रेलवे स्टेशन देते, केड़ी रेलवे स्टेशन देते फर्स्ट पोर्ड होटल लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू डिस्कस करांगे, स्टार्ट करने हैं डिटेल्ड फॉर्म दे विच न्यूज़ नू डिस्कस करांगे, काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। तो सब तो पहले वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे कदों ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 18 नवंबर ऑब्जर्व किया गया, इट इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, नवंबर दे तीसरे थर्सडे, नवंबर दे तीसरे थर्सडे ऑब्जर्व किया जाता है, इस साल 18 नवंबर ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल मेन्स डे, इंटरनेशनल मेन्स डे 19 नवंबर ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल मेन्स डे 19 नवंबर ऑब्जर्व किया गया, थीम रही है बैटर रिलेशनज बिटवीन मैन एंड वूमेन, बैटर रिलेशनज बिटवीन मैन एंड वूमेन, यह इस दिन की थीम रही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर ऑब्जर्व किया गया, थीम रही है वैल्यूइंग टॉयलेट्स, थीम रही है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। नेक्स्ट है फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, सिखां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी का 552nd बर्थ एनिवर्सरी, श्री गुरु नानक देव जी की 552 552nd इंपोर्टेंट रहेगा एडिशन 552nd बर्थ एनिवर्सरी 19 नवंबर ऑब्जर्व की गई, यानी कि कल दे दिन ऑब्जर्व की गई। ठीक है जी,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਈ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, IB ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ ਆ? ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 52nd ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 52nd ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਜੋ ਕੂਜ਼ ਹੰਗਲ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੀ ਐਸ ਵਿਨੋਥ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੂਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਔਸਕਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਔਸਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ NPCI 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਦਿਲੀਪ ਆਸਬੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦੇਅਰ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ UPI ਇਨ UAE ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ। UAE ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ, UPI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ, UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ NPCI ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ MOU ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ NPCI ਦੁਆਰਾ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੁਪਏ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ RBL ਬੈਂਕ। RBL ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ RBI ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ CBDT CBDT ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RBI ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CBDT ਦੀ, ਤਾਂ CBDT ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ JB ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ CBDT ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ SIDBI ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ SIDBI ਦਾ, ਔਰ SIDBI ਦੇ
पार्टनरशिप की है गूगल इंडिया दे नाल, गूगल इंडिया दे नाल पार्टनरशिप की है फॉर पायलटिंग अ सोशल इंपैक्ट लर्निंग प्रोग्राम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 करोड़ एट सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स टू MSME। इसका मतलब है कि जो MSMEs ने, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ने, जो MSME इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन प्रोवाइड किया जाएगा कट इंटरेस्ट रेट्स के उत्ते, किस नाल पार्टनरशिप करके, गूगल इंडिया के नाल पार्टनरशिप करके। पार्टनरशिप किसने की है डायरेक्टली पूछा जाएगा सिडबी ने, किस बैंक द्वारा पार्टनरशिप की गई है गूगल इंडिया के नाल, तैयार रखेंगे सिडबी द्वारा। ए बी डविलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, एबी डविलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। साउथ अफ्रीका दे क्रिकेट प्लेयर एबी डविलर्स इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। यह IPL दे विच RCB लई खेलदे सी, ये नाम इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि यह IPL दे विच RCB लई खेलदे सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम है जो इस दे लई खेलदे सी और काफ़ी अच्छे और इंपोर्टेंट प्लेयर सी RCB दे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एबी डिविलियर्स किस खेल तो बिलोंग करते हैं, क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इंडिया दे जो वाइस प्रेसिडेंट ने एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक इन हैदराबाद दे विच एक बुक रिलीज की है श्रीमद रामायण रिटन बाय श्री साई किरण पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। बेसिकली जो टूरिज्म मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री दे जो सेक्रेटरी ने, पर्सनल सेक्रेटरी ने, कौन ने, श्री साई किरण द्वारा बुक लिखी गई श्रीमद रामायण। इस बुक नू रिलीज किया गया एम वेंकैया नायडू द्वारा। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर कौन ने, तो जी कृष्ण रेड्डी। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, इंडिया दे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। हैज इनॉग्रेटेड अ रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल इन रेजिंगला ऑफ लद्दाख दे रेजिंगला दे विच रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल नू इनॉग्रेट किया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल नेचुरोपैथी डे कदों ऑब्जर्व किया गया, 18 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू अ ड्रगलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन दे ड्रगलेस सिस्टम तो दूर पॉजिटिव मेंटल और फिजिकल हेल्थ दी प्रमोशन दे लई नेशनल नेचुरोपैथी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 18 नवंबर। कदों ऑब्जर्व किया गया, 18 नवंबर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थानन डायरेक्टली पूछा जाएगा, प्रस्थानन नाम दी एक्सरसाइज है, कंडक्ट की गई कितने कंडक्ट की गई। इसनू कंडक्ट किया गया ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया मुंबई दे विच कंडक्ट किया गया। ठीक है जी, प्रस्थानन नाम दी एक्सरसाइज कितने कंडक्ट की गई, मुंबई दे विच। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट ऑड इवन स्कीम टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन द स्टेट। पॉल्यूशन नू कंट्रोल करन दे लई ऑड इवन स्कीम दी शुरुआत करन दी अनाउंसमेंट की है हरियाणा सरकार ने। किसने, हरियाणा सरकार ने। इट वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन दिल्ली,
इस नूं पहली बार दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया सी, इस स्कीम नूं पहली बार दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया, ठीक है जी। ओडिशा, ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू ले द फाउंडेशन स्टोन, ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पुरी हेरिटेज कॉरिडोर, पुरी हेरिटेज कॉरिडोर विद टोटल कॉस्ट ऑफ ₹800 करोड़, विद टोटल कॉस्ट ऑफ ₹800 करोड़। ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वह पुरी हेरिटेज कॉरिडोर बनाएगी, पुरी हेरिटेज कॉरिडोर बनाएगी विद 800 करोड़ की लागत देना, 800 करोड़ रुपए की लागत देना। ठीक है जी। नेक्स्ट है केरला, केरला गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन, केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी टू इम्प्रूव एंड ट्रैक द कलेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट, टू इम्प्रूव एंड ट्रैक द कलेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट अक्रॉस लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, कि इनऑर्गेनिक वेस्ट है जो इसनों इसनों कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने दे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने दे लिए और इसनों इंप्रूव करने दे लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी केरला सरकार। पूछा जाएगा केड़ी सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी इस तरीके की, तो आंसर रहेगा केरला। यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन ने, महेंद्र नाथ पांडे, इंडिया के हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली उत्तर प्रदेश तो, चंदौली उत्तर प्रदेश तो लोकसभा एमपी ने, कौन, महेंद्र नाथ पांडे। हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट एंटी एयर पोल्यूशन टावर, इन्होंने पहला एंटी एयर पोल्यूशन टावर उत्तर प्रदेश का कितने लॉन्च किया, नोएडा दे विच, ठीक है। इस तो इलावा आप दिल्ली दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया सी एंटी एयर पोल्यूशन टावर, लेकिन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पहला एंटी एयर पोल्यूशन टावर कितने लॉन्च किया गया है, इसनों दिल्ली सॉरी नोएडा दे विच, इसनों नोएडा दे विच लॉन्च किया गया, ठीक है जी। आज दे लई बस इन्ना ही, आई होप सानू सेशन पसंद आया होएगा, सेशन नू लाइक और शेयर काइंडली जरूर करते रहो जिथे भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड बाय।